वेलकम फ्रेंड्स, यू वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश बोर्ड। हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश, दिस इज सुरेश मौर्य। और चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस नए वीडियो के साथ हम सीखेंगे नरेशन स्पीच के अंतर्गत। आज हमारे रूल नंबर 9 के हम सेंटेंसेस देखेंगे। आज हम देखेंगे कि हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आदेश, निवेदन, विनती, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव, चेतावनी, मनाही, पूछताछ आदि के सेंटेंसेस में परिवर्तन किस तरह से किए जाते हैं, उन्हें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बनाए जाते हैं। आज के जो सेंटेंसेस होंगे वो पहले हमने जो अब तक के रूल 1 से लेकर के 8 तक पढ़ा है, अब तक के जो हमने 8 नियम पढ़े हैं नरेशन स्पीच बनाने के, उनके सेंटेंसेस पहले से आज बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आज के हमारे जो सेंटेंसेस होंगे वो अलग तरीके के होंगे। तो अगर आप लगातार हमारे पिछले वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं तो आपने सीखे होंगे कि नरेशन के रूल्स को हमने एक एक करके किस तरह से डिफाइन किया है, स्टडी किया है। आप प्लेलिस्ट से हमारे उन लेसन्स तक पहुंच सकते हैं। कुछ लिंक भी हमने आपके साथ शेयर किया है जहां से आप हमारे कुछ वीडियोस तक आप वहां तक जा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आज हम देखेंगे हमारे रूल नंबर 9 में हमारे किस तरह के सेंटेंसेस होंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, हमने जो पहले बनाए हैं उनसे वो अलग, आज हम उन्हें परिवर्तन करेंगे। हम देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच अगर किसी भी टेंस में हो तो हमारे जो सेंटेंसेस होंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अर्थात आदेश वाले सेंटेंसेस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस, विनती वाले सेंटेंसेस, चेतावनी वाले सेंटेंसेस को, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें किस तरह से बनाया जाता है। हमारे रूल नंबर 9 में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, बेग, अर्ज, एडवाइस, प्रपोज, सजेस्ट, वार्न, कमांड, फॉरबिड, इस तरह के हम आज सेंटेंसेस देखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आज हमारे जो सेंटेंसेस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में वो बिल्कुल ही अलग दिखाई पड़ेंगे। तो कुछ नियम पर हम नजर डाल लेते हैं, कुछ जो हमारे परिवर्तन हमें करना है उन पे हम कुछ अलग अलग जो हमें परिवर्तन आज करना है उनकी एक नजर हम डाल लेते हैं। हम रूल्स के एक एक करके आज उनके डिफाइन करेंगे, एक एक करके आज हम उन्हें पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंसेस को हम 2 से जोड़ेंगे, अर्थात इसके पहले जो हमने दैट से जोड़े थे, हमने प्रश्नात्मक शब्दों से जोड़े थे, आज हमारे जो सेंटेंसेस होंगे वो 2 से डायरेक्ट जुड़ेंगे। और अगर नेगेटिव है तो वो नॉट टू या नेवर टू से जुड़ सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे आज। तो आप एक एक करके सारे नियम देखते चलिएगा, सारे परिवर्तन देखते चलिएगा। हम देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी टेंस में अगर होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, अर्थात आदेश वाले, रिक्वेस्ट वाले, विनती वाले, सुझाव वाले, प्रस्ताव वाले, इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं, उनमें किस तरह के नियम लागू किए जाते हैं। तो आप नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके तैयार हो जाइए। आज के नए नियम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को बनाने के, हमें जो सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच में दिए जाएंगे हम उन्हें किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर हमारे पहले कुछ एग्जाम्पल, आप इन्हें आराम से पहले सारे सेंटेंसेस आज के वीडियोज के देख लीजिए। हम एक एक करके सारे सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। आपके स्क्रीन पर हमारा पहला एग्जांपल, ही सेड टू हिज ब्रदर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो देखिए, उसने अपने भाई से कहा है, भाई से पानी मांगा है। तो हमने यहां पर मांगा है बोला है हिंदी में, अर्थात अपने भाई को उन्होंने कुछ कहा है। तो हमारा जो अनुवाद होगा, हमारा जो सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में बनेगा, ही आस्क्ड हिज ब्रदर टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देखिए, उसने अपने भाई से कहा है, अपने भाई से मांगा है। तो यहां पर जो आस्क की मीनिंग निकलेगी, आस्क का अर्थ निकलेगा, उसने अपने भाई से कहा, पूछा या मांगा। तो हम यहां पर कहेंगे उसने अपने भाई से एक ग्लास पानी मांगा है। तो देखिए, यहाँ पर आस्क का जो अर्थ है आप वो यहाँ पर अलग से देख रहे हैं। हम इसी तरह का सेंटेंस नीचे देख रहे हैं, वहां पर वो परिवर्तन है, ही सेड टू हिज सर्वेंट। इस बार जो सेंटेंस है उसने अपने नौकर से कहा है। तो इसके ऊपर पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं भाई से कहा है, और दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं नौकर से कहा है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देखिए, जब हमारा ये सेंटेंस बनेगा वहां पर आदेश होगा, क्योंकि वो नौकर से कहा गया है, नौकर को बोला गया है। तो नौकर के लिए आदेश का यूज हम कर सकते हैं सेट टू के स्थान पर। तो आज इस तरह के सेंटेंसेस के परिवर्तन आप एक एक करके देखते चलिए, समझते चलिए। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो दोनों ही सेंटेंसेस आप अलग अलग रूप में देख रहे हैं। एक सेंटेंस में हमने आस्क्ड से बनाया है, दूसरे सेंटेंस में हमने ऑर्डर से बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के एग्जांपल आगे भी अलग अलग फॉर्मेट में देखेंगे, अलग अलग जो निवेदन है
ऑर्डर है, चेतावनी है, इस तरह से हम आज अगले एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आप सारे एग्जाम्पल देखते चलिए, आराम से सारे सेंटेंसेस को नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करिएगा। हमारे जो आज सेंटेंसेस हैं हम रूल नंबर 9 में कर रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। चलिए चलते हैं अगले पेज पर, अगले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी टेंस में हो सकते हैं, लेकिन हमारे रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस दिए जाएंगे उनमें किस तरह के परिवर्तन हमें करने होते हैं। अगले एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, आवर ट्यूटर सेड टू अस वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो हमारे ट्यूटर ने, हमारे शिक्षक ने, टीचर ने हमसे कहा है, हमें वर्क मेहनत करने के लिए, नंबर अच्छे लेने के लिए मेहनत करने के लिए कहा है। तो जब हमारा सेंटेंस बनेगा आवर ट्यूटर सेड टू अस को हम परिवर्तन करेंगे आवर ट्यूटर एडवाइज्ड अस। तो देखिए उन्होंने हमें सलाह दिया है, सुझाव दिया है। आवर ट्यूटर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो बाकी आपको सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस हम देख रहे थे उसे टू से जोड़ देना है, उसे टू से ही लिख देना है। कलर कोड से आप यहाँ पर समझते चल रहे होंगे कि किस तरह के परिवर्तन हमें करने होते हैं इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर हमारे शिक्षक की तरफ से, हमारे ट्यूटर की तरफ से हमें एडवाइस था, तो हमने वहां पर एडवाइस यूज किया है सेट टू के स्थान पर और दोनों सेंटेंस को हमने टू से जोड़ दिया है। चौथा सेंटेंस देखिए, आई सेट टू माई फ्रेंड्स लेट अस प्ले अ गेम नाउ। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा है, अर्थात मैंने अपने फ्रेंड्स के सामने एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव रखा है कि चलो गेम खेलते हैं, अब खेलते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के सामने प्रस्ताव रखा है, तो हम यहाँ पर प्रस्ताव से यूज करेंगे। आई प्रपोज टू माई फ्रेंड्स टू प्ले अ गेम देन। तो देखिए मैंने अपने मित्रों के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि चलो गेम खेलते हैं अब। तो उस समय गेम खेलने की बात हम कह रहे हैं। इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे रूप में बनाते हैं, आई प्रपोज टू माई फ्रेंड्स दैट दे शुड प्ले अ गेम देन। तो मैंने अपने मित्रों के सामने प्रस्ताव रखा है कि वे लोग अब चल के एक गेम खेलते हैं या हम लोग चल के अब एक खेलते हैं। तो देखिए हमारे सामने इस तरह के आंसर बन सकते हैं, इस तरह के परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने जो अभी चार एग्जांपल देखे हैं उन्हें आराम से नोट कर लीजिए, कमेंट करिएगा किस तरह से आप सीख रहे हैं। यहाँ पर जो बहुत सारे परिवर्तन आप देख रहे हैं रूल नंबर 1 से लेकर के 8 तक, उन्हें रिवाइज जरूर कर लीजिए। वहां के नियम अर्थात रूल 1 से लेकर के रूल 8 तक के नियम यहाँ लागू हो सकते हैं, हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने देखे अभी चार एग्जाम्पल, चार सेंटेंसेस। हम देखेंगे इसी तरह के आज और भी एग्जाम्पल, अलग अलग फॉर्मेट में देखेंगे, अलग अलग यूज के साथ देखेंगे। चलते हैं हमारे अगले पेज पर। हमारे रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी टेंस में अगर होते हैं तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बदलना है। तो चलिए हमारे सेंटेंसेस हम देखेंगे अगला सेंटेंस। तो इसके पहले हम कुछ नजर डाल लेते हैं किस तरह के परिवर्तन हमें आगे ध्यान रखना होगा, किस तरह के परिवर्तन हमें करना होगा। अगर हमें लेट के बाद इट से सेंटेंस बना हुआ दिखाई पड़ता है तो वहां पर जॉय, सोरो, अप्रूवल, इनडिफरेंस के रूप हो सकते हैं, उनके प्रयोग हो सकते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा आराम से, इस तरह के एग्जांपल हम आगे अभी करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस तरह के परिवर्तन हमें अगर दिखाई पड़ते हैं, इस तरह का कोई सेंटेंस हमें दिखाई पड़ता है, अगर हमें लेट के बाद मी या हिम या इस तरह से और भी कोई ऑब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन दिखाई पड़ता है, कोई सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन दिखाई पड़ता है, लेट के बाद हमें मी हिम इस तरह से कुछ और दिखाई पड़ता है, तो वहां पर वो बेग विनती हो सकती है, किसी इच्छा जताने वाले वाक्य हो सकते हैं या कोई आदेश हो सकता है। अगर हमें लेट के बाद अस दिखाई पड़ता है तो वो प्रस्ताव हो सकता है, हमारे लिए कोई सुझाव हो सकता है। और अगर लेट के बाद हमें इट बी या देयर बी दिखाई पड़ता है तो हमें वहां पर सपोज का सेंटेंस मिल सकता है, अर्थात इस तरह से जब कहा जाता है कि मान लेते हैं, मान लिया जाए, तो उस तरह का कोई एग्जांपल हमें दिखाई पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्हें आराम से लिख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, हम ऐसे एग्जांपल आगे करेंगे, अगले और वीडियोस में भी करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको आसान बनाएंगे, अभी जो आप देख रहे हैं इस तरह के टिप्स, इस तरह के सुझाव आपको आसान बनाएंगे नरेशन के सेंटेंसेस को, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, स्पीच के सेंटेंसेस को समझने में। तो हम इस आप इसे आराम से लिख लीजिएगा स्क्रीन को रोक करके। ऐसे कुछ एग्जांपल चलिए देखते हैं वो किस तरह के हमें आगे दिखाई पड़ेंगे। रूल नंबर 9 में हम देख रहे हैं हमारे सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। पांचवा सेंटेंस, द बॉय सेड प्लीज फॉरगिव मी। तो लड़के ने कहा है, माफी मांगी है। देखिए यहाँ पर प्लीज का यूज हुआ है, अर्थात यहाँ पर विनती हुई है। तो हम इस तरह के सेंटेंस को जब बनाएंगे विनती का यूज करेंगे। द बॉय रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव हिम। लड़के ने रिक्वेस्ट किया है उसको माफ करने के लिए, उसने खुद को कहा है, तो हमने मी के स्थान पर हिम किया है,
क्योंकि वो लड़का अपने लिए माफी मांग रहा है। तो हमने इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के रूल्स पहले पढ़ चुके हैं, टेंस के परिवर्तन करना और जो प्रोनाउन होते हैं, नाउन होते हैं, उनके परिवर्तन किस तरह से किए जाते हैं। आप पिछले वीडियो जरूर रिवाइज कर लीजिए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो पिछले नियम को जरूर देख लीजिए। हम देखेंगे अगले कुछ और सेंटेंसेस, अगले कुछ इस तरह के, अगर हम और इसे किस तरह से बना सकते हैं। द बॉय बैग्ड, इसी सेंटेंस को हम बैग के रूप में बना सकते हैं। याचना करी लड़के ने, द बॉय बैग्ड टू फॉरगिव हिम। तो हम रिक्वेस्ट की जगह बैग का यूज भी कर सकते हैं, याचना का यूज भी कर सकते हैं, विनती का यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए छठवां सेंटेंस देखते हैं। मदर सेड टू हर सन डोंट गो नियर द फायर। माँ ने अपने बेटे से कहा है आग के पास नहीं जाने के लिए मना किया है। तो आग के पास नहीं जाना है, हम इस सेंटेंस को चेतावनी के रूप में बना सकते हैं। मदर वॉन्ट हर सन नॉट टू गो नियर द फायर। मना किया है माँ ने, चेतावनी दी है आग के पास नहीं जाने के लिए। हम इसी सेंटेंस को फॉरबिड से अगर करते हैं, माँ ने मना किया है तो हमें ध्यान से देखिए, हमें नॉट का यूज नहीं करना है। अगर आप फॉरबिड के सेंटेंस देखते हैं तो आपको ग्रामर में इस तरह का ध्यान रखना है। फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना, अर्थात हमें नॉट का यूज नहीं करना है क्योंकि मना पहले ही कर दिया गया है। मदर फॉरबिड हर सन टू गो नियर द फायर। माँ ने अपने बेटे को आग के पास जाने से मना किया है। तो हम नॉट अगर लगा देंगे अभी तो अर्थ बदल जाएगा, अर्थ कुछ और निकल जाएगा। तो देखिए हमने देखे हैं अब तक के 6 एग्जाम्पल अलग अलग तरीके के, अलग अलग सेंटेंसेस के रूप में। कलर कोड से आप सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं, उनके परिवर्तन देख रहे हैं। कंजक्शन किस तरह से हमें सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करना होता है, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमारे इस YouTube चैनल को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, शेयर करिए ताकि और भी लोग आपके ग्रुप में कलर कोड के माध्यम से सीख पाएंगे अंग्रेजी के नरेशन के सेंटेंसेस बनाना। हम चलते हैं अगले और पेजेस के साथ, एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ और नए एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाए जाते हैं, विनती याचना किस तरह से करी जाती है। सातवां एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, द आर्मी कमांडर सेड मार्च फॉरवर्ड एंड फायर। तो जो आर्मी के कमांडर है उन्होंने अपने सेना के लिए आगे बढ़ने को कहा है, गोली चलाने के लिए कहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कमांडर है वो उनका आदेश है, उनकी तरफ से कमांड है। द आर्मी कमांडर सेड, वहां पर सेड को आप हटा लीजिए, कमांडेड हमें यूज करना है, ऑर्डर हमें यूज करना है। तो हम जो यहाँ पर सेड देख रहे हैं, हमसे गलती से वो प्रिंट हो गया है, हमारे लिए वहां पर वो गलती हो गई है। सेड टू आप नहीं लिख लीजिएगा, आपको कमांडेड लिखना है, ऑर्डर लिखना है। तो ध्यान दीजिए हमारी वो गलती है, हमें वहां पर सेड टू का प्रयोग, सेड का प्रयोग नहीं करना है, कमांडेड का प्रयोग करना है। द आर्मी कमांडर सेट को नहीं लिखेंगे, कमांडेड लिखेंगे, ऑर्डर्ड लिखेंगे, टू मार्च फॉरवर्ड एंड फायर। आठ नंबर का एग्जांपल देखिए, लेट मी गो नाउ सर। तो हम यहां पर देख रहे हैं नौकर अपने मालिक से विनती कर रहा है, वो जाने के लिए पूछ रहा है। तो हम जब सेंटेंस को बनाएंगे हमारा आंसर बनेगा, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुल्ली अर्ज्ड। अर्ज का मतलब भी रिक्वेस्ट होता है, विनती होता है। तो सर्वेंट ने अपने मालिक से विनती किया है, परमिशन के लिए मांगा है, उन्होंने परमिशन चाहा है जाने की। तो हम इस आंसर को बना सकते हैं, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली अर्ज हिज मास्टर परमिशन टू गो। हम इस आंसर को सर देख करके हमने यहाँ पर रिस्पेक्टफुली जोड़ा है। सर या मैडम अगर आप सेंटेंस में देखते हैं तो आपको इस तरह से रिस्पेक्ट के लिए एक शब्द रिस्पेक्टफुली जोड़ सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम बना सकते हैं, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली बैग्ड। तो देखिए हमने अर्ज की जगह बैग यूज किया है, याचना करा है नौकर ने, उसी तरह का सेंटेंस है, हम इसे दूसरे रूप में जोड़ सकते हैं, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली बैग्ड हिज मास्टर टू लेट हिम गो देन। हम इस तरह को ऐसे ही सेंटेंसेस और भी अलग अलग रूप में आप बना सकते हैं। जब जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे नियम को तो आपके सेंटेंसेस बेहतर ढंग से बनते जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर अब तक के 8 सेंटेंसेस हमने बनाए हैं। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल सकते हैं। सातवें एग्जांपल में आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमसे सैड टाइप हो गया है, हमने सैड लिख दिया है, वो आपको आंसर में नहीं लिखना है। चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं, अगले एग्जांपल देखते हैं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को, इस हमारे एग्जाम्पल को जरूर दूसरों तक पहुँचाइए। इस तरह के एग्जाम्पल के साथ आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप में, आपकी क्लास में सीख पाएंगे कलर कोड के माध्यम से इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पहचानना, नरेशन को सॉल्व करना। चलिए और जो एग्जांपल अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग है,
हमने जो अभी तक एग्जाम्पल देखे हैं आठ, उनसे डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारे ये सेंटेंस आप नौ नंबर का। लेट स्टॉप फाइटिंग अंकल सेड टू क्वारलिंग बॉयज। तो अंकल ने झगड़ते हुए लड़कों को कहा है, अर्थात उनने सुझाव दिया होगा, सलाह दी होगी। तो हमारा जो आंसर बनेगा, अंकल सजेस्टेड टू क्वारलिंग बॉयज टू स्टॉप फाइटिंग, या आप कह सकते हैं टू लेट स्टॉप फाइटिंग। तो हमें लेट अगर हम वहां ना भी लिखें तो हमारा आंसर बन जाएगा, अंकल ने सुझाव दिया है झगड़ते हुए बच्चों को, लड़कों को ना लड़ें। तो देखिए हमने इस बार सजेस्ट का यूज किया है, सुझाव का यूज किया है, बच्चों के लिए सुझाव है, झगड़ा नहीं करने के लिए कहा गया है, रोकने के लिए कहा गया है। दसवां नंबर सेंटेंस देखिए जो बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। लेट अस यूज दिस, अंकित ने कहा है चलो इसको यूज करते हैं, अंकित ने कहा है हम इस आंसर को बनाएंगे, अंकित सजेस्टेड टू लेट यूज दैट, चलो उसको यूज कर लेते हैं, चलो उसको करके देखते हैं, अंकित ने सुझाव दिया है, अंकित सजेस्टेड टू लेट यूज दैट। 11 नंबर का सेंटेंस देखिए, गणित में जो हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, मैथ्स में जो हम सपोज करके क्वेश्चन है करते हैं, माना कि हम कहते हैं कि x माना कि 5 है, y माना कि 5 है, अंग्रेजी में जब हम सपोज करके मैथ में जब इस तरह के बनाएंगे तो हमें लेट m इज 5 हमने लिखा है, माना कि m का मान 5 है, आप इस तरह से हिंदी में कहेंगे, माना कि m का मान 5 है, सर ने कहा हम उसे करेंगे, सर सपोज दैट m वाज 5, सर ने माना कि m का मान 5 है। यहाँ पर इस के स्थान पर वॉज आया है क्योंकि हम ये नियम पहले पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट के सेंटेंसेस को पास्ट में बदलना होता है। तो देखिए हमने आज देखे हैं ये 11 एग्जाम्पल इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बनाने के, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को परिवर्तन करने के, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से उन्हें बदला जाता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप अब लिख लीजिएगा आराम से, हमारे सारे सेंटेंसेस को देख लीजिएगा, सारे एग्जाम्पल आपको हेल्प करेंगे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को रूल नंबर 9 को समझने में। लेकिन आप पिछले नियम रूल 1 से लेकर के रूल 8 तक के जो नियम है, अगर आपने उसे नोट किया है आपको आसानी हो रही होगी, अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप जरूर उसे नोट कर लीजिए, पिछले वीडियोस को देख लीजिए। तो हमने अब तक के देखे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के 11 एग्जाम्पल। हम अगले पेज पर चलते हैं, हम आपको देंगे कुछ होमवर्क के लिए सेंटेंसेस सेल्फ टेस्ट टाइम में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जो अभी एग्जाम्पल हमने किए हैं उस एग्जाम्पल को आप करके देखिए, आप किस तरह से कर पाएंगे उसे कोशिश करिए। हम एग्जाम्पल जो आपको दे रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल होंगे, आपके लिए सेल्फ टेस्ट टाइम होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी, आपके कॉन्फिडेंस में जो इम्प्रूवमेंट होगा वो आपको हेल्प करेगा आंसर्स को सही बनाने में परीक्षा के समय में। आप अपने आंसर्स हमारे साथ जरूर शेयर करिए, किस तरह से आप आंसर्स बना पा रहे हैं वो आप किस तरह से समझ पा रहे हैं कमेंट जरूर करिए। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, अगर आपका जो भी आंसर आपको समझने में दिक्कत होती है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस। हमने दिए हैं अभी आपको 5 सेंटेंसेस समझने के लिए, पहचानने के लिए। हम चलेंगे अगले पेज पर। अभी जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, समय लगेगा आपको थोड़ा सा नोट करने में, लिखने में। 5 एग्जाम्पल अभी हम इस पेज पर दे रहे हैं आपको, 5 सेंटेंसेस इंपेरेटिव। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप देखिए अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे, वैसे ही मिलेंगे जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स अभी पिछले पेजेस पर आज देखे हैं रूल नंबर 9 में। तो हम चलते हैं अगले पेज पर, आप इन एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम चलते हैं अगले पेज पर और देते हैं आपको कुछ नए सेंटेंसेस इसी तरीके के इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, जो आपने अभी किए हैं हमारे साथ, आज शेयर किए हैं सेल्फ टेस्ट सीरीज के रूप में आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अगले ये और 5 सेंटेंसेस है हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए। तो आज हमने दिए हैं 10 ये सेंटेंसेस आपके लिए होमवर्क के रूप में। आपने जो आज प्रैक्टिस किया है हमारे साथ, एग्जाम्पल्स देखे हैं, बस वैसे ही एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए हैं, कुछ ब्रैकेट में हमने आपको सजेस्ट कर दिया है कि आप इस रूप में उन्हें यूज करके बना सकते हैं, आप उनके सेंटेंसेस को आपको हेल्प मिलेगी उसको समझने में। तो फ्रेंड्स चलिए आपके एग्जाम्पल आपके आंसर्स हम वेट करेंगे, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, दूसरों तक पहुंचाइएगा ताकि कलर कोड के माध्यम से आपके ग्रुप में भी इस तरह के एग्जाम्पल के साथ सीख पाएंगे। हमारे पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में देखिए, हमने अलग अलग लेसन्स आपके लिए सेव करके रखा है जो आपको ग्रामर में, जो आपको डेली के कन्वर्सेशन में, बोलचाल में उपयोगी होंगे। हम करेंगे इसी तरह के और एग्जाम्पल अगले नेक्स्ट जो रूल्स होंगे हम पढ़ेंगे,
पूरे नरेशन के 11 नियम हमारे अगले वीडियोस तक। तो आप इंतजार करिएगा हमारे नए नियम के लिए। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश ग्रो, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश ग्रो, सब्सक्राइब चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो, शेयर योर नॉलेज विद अदर, मेक योर गुड लर्नर बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।